एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज एक बार फिर से हम इस वीडियो में सीखेंगे रोज उपयोग होने वाले कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी ना हो। और ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में आपके लिए रहेगा एक क्विज, जिसका आंसर अगर आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, जो है होश में आओ। अब यहाँ होश में आने की बात वो नहीं है कि कोई बेहोश हो गया और उसको आप कह रहे हो। यहाँ होश में आने का बात ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सदमे में है या कुछ सोच रहा है, तो आप उसको उठाते हैं और आप कहते हैं कि होश में आओ, अपना अपने बच्चों को देखिए या जो भी आपका काम है वो करिए। तो होश में आओ, ये सेंस है। और इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे कम टू योर सेंसेस, कम टू योर सेंसेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर रहो। इसको आपको इंग्लिश में कहना है स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर। गई और यूं आई, मैं ऐसा आपको नहीं कह रही हूँ, ये हमारा अगला सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में आपको कहना है आई विल कम इन अ जिफी, आई विल कम इन अ जिफी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है तुम पता लगाओ। ये सेंटेंस भी आपने बोला होगा किसी को, तुम पता लगाओ। तो इसको आपको इंग्लिश में कहना है यू फाइंड आउट, यू फाइंड आउट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है जुदा मत हो या अलग मत हो। कोई अगर अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, तो हम इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में कहना है डोंट सेपरेट, डोंट सेपरेट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है तुम पुराने ज़माने के हो। इसको आपको इंग्लिश में थोड़ा फ्रेज के टाइप से कहना है यू आर ओल्ड स्कूल, यू आर ओल्ड स्कूल। सेंटेंस है सबसे ज़रूरी बात, ये छोटा सा एक फ्रेज हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है भूलना मत। आप सब ने भी सेंटेंस को यूज़ किया होगा किसी को कहते हुए कि भूलना मत। इसको आपको इंग्लिश में कहना है डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है forget, इसको हम फॉरगेट पढ़ेंगे, फॉरगेट आपको नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको बोलना है डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट सेंटेंस है याद रखना। अभी कहा था भूलना मत, अब हम ये वाला सेंटेंस भी बोलते हैं याद रखना। इसको आपको इंग्लिश में कहना है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। अगला जो सेंटेंस है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम आता है, जो है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह अगर आपको कहना हो तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे एज ऑलवेज का, एज ऑलवेज का। क्विज आप सबके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का सेंटेंस है मैं भारत में रहता हूँ, या आप जिस भी कंट्री में, देश में रहते हैं, वहाँ का आपको नाम लिखना है और इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सभी इंग्लिश आसानी से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।